हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी और हम आज बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में। 7.66 करेंट प्राइस है एंड फ्रेंड्स, इस शेयर से रिलेटेड एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। 52 वीक हाई है 12 रुपीज़ के आसपास, लो है 5.43। 20% का सर्किट है इसमें सेबी की तरफ से। टर्न ओवर है 21 करोड़ का, अच्छा टर्न ओवर है। मार्केट कैप है 7715 करोड़ का। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है शेयर है। काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है इसने। ऑलरेडी एक मल्टीपैगर रिटर्न दे चुका है, अमाउंट को डबल कर चुका है अपने इन्वेस्टर्स के जिन्होंने 4 रुपीज़ के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। फ्यूचर का मल्टीपैगर बन सकता है, एक टाइम पे 400 रुपीज़ पर ट्रेड होता था ये शेयर। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स को। फंडामेंटल फ्रेंड्स ठीक ठाक है, आरओई नेगेटिव है, बट अब जानेंगे न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आई है। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं। 8 अक्टूबर को एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। आपको पता है इसके राइट इश्यूज आ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं सो दैट आप भी इजीली समझ सकें कि क्या अपडेट है राइट इश्यू से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट ओपन होने दीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या रिकॉर्ड डेट है, क्या एक्स डेट है। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया है राइट इश्यूज़ के बारे में। तो मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी का, इसका बैंक्स का एंड गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है सारी पावर सेक्टर्स के शेयर्स को, और अपनी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है ये, आप देख सकते हैं। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं ताकि आप भी चीज़ वो देख सकें। इंटीमेशन अंडर दिस रेगुलेशन, ये राइट इशू से रिलेटेड जो भी आया था इसको इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ये सारे न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। नोटिस ऑफ द एलिजिबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इशू ओपन होगा ट्यूसडे 11 अक्टूबर को, लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर, और इशू क्लोज होगा 26 अक्टूबर को। तो आपको पता होना चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी अप्लाई की सब कुछ है इसमें। सो फ्रेंड्स, राइट इशू आ चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डेट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। आपको पता है जून में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, बल्कि पिछले क्वार्टर्स में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट नाउ दिस इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आपके शेयर प्राइस को यहाँ से भी डबल करने का पोटेंशियल रखती है, बट अभी फ्रेंड्स मार्केट 10% तक करेक्ट हो सकती है, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है इसे बाय करने का। आप देखिए 2305 करोड़ का प्रॉफिट है जून में, मार्च में लॉस था, एनुअली भी लॉस है, बट बहुत अच्छा जून में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अब रिजल्ट्स आने वाले हैं सितंबर के, तो हम एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 14% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है और 85% पब्लिक होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर प्रमोटर्स बढ़ते हैं तो अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से क्या टारगेट लेके चलेंगे फ्रेंड्स? फर्स्ट टारगेट तो मैं आपको 8 रुपीज़ का ही दूंगी, बट अभी मार्केट थोड़ी करेक्ट होगी, ये और नीचे जाएगा, वहाँ पर आप इसे बाय कीजिए और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 10% तक नीचे जा सकता है मार्केट, 10% नीचे जा सकती है, तो शेयर अगर करेक्शन में जाए तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको इसमें दोबारा। सो 8 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो न्यू अपडेट आया था समझ आ गया हो, सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, आप जाके ये अपडेट BSE की साइट पे भी चेक ज़रूर कर सकते हैं। तो जो न्यू अपडेट आया था मैंने आपको दे दिया है, सारी डेट्स हैं इसमें मेंशन। थैंक यू सो मच।